अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटर चैनल में आपको खुश आमदीद कर रहा हूँ। मैं हूँ आपका मेंटर जवाद यूनस, और आज ये क्लास में आपको सिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने आइसोमेट्रिक ग्रिड कैसे बनानी है इलस्ट्रेटर में। तो सिखाने से आपको पहले सबसे पहले ये कहना चाहूँगा आपको कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राइट साइड पर बॉटम पर सब्सक्राइब का लिंक आ रहा होगा, सब्सक्राइब आ रहा होगा, आपने जस्ट क्लिक कर देना उस पर और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारे हर ट्यूटोरियल की अपडेट मिलती रहे। और अगर आप बिजनेस हैं और आप एडोब इलस्ट्रेटर और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में आपको सब कुछ मिलेगा। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है 20 इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल्स में अपलोड कर चुका हूँ और 12 टिप्स भी अपलोड कर चुका हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए चलते हैं हम अपने ट्यूटोरियल की तरफ। समझा देता हूँ कि इसको वो चीज़ को कैसे बनाना है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं इसको क्रिएशन करता हूँ। बस करें मैं एक लाइन टूल ले लेता हूँ और इसको जो है मैं 0.25 रख देता हूँ। इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके शिफ्ट प्रेस किया, मैंने शिफ्ट प्रेस करके इसको डाउन पे कर लिया तो ये आ गया। फिर ऑल ट्रैक करके इसकी एक मैंने कॉपी ले ली अपनी मर्जी से, फिर कंट्रोल डी में डुप्लीकेट सेम स्पेस के साथ आएगी। फिर कंट्रोल डी प्रेस कर करके मैं इसको जो है अपनी मर्जी से इसको यहाँ तक बना लेता हूँ। फिर आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। फिर ऑब्जेक्ट पे जाके इसको जो है ना ग्रुप कर देना। ऑब्जेक्ट पे जाके भी ग्रुप कर सकते हैं आप, और इसके अलावा ये आपको इधर ग्रुप की ऑप्शन आ रही होगी। अगर जो है ना ये अनग्रुप हुआ हुआ, ग्रुप ऑलरेडी हुआ हुआ, फिर ऐसे अनग्रुप की ऑप्शन आ रही है। अदरवाइज ग्रुप की ऑप्शन आ रही होगी, जस्ट राइट क्लिक करेंगे और ग्रुप की ऑप्शन कर लेंगे। ये ग्रिड आ गई हमारे पास, हम करेंगे कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से भी आप कर सकते हैं कॉपी, और उसके बाद सेम प्लेस पे पेस्ट करेंगे, पेस्ट इन सेम प्लेस। फिर उसको हम क्या करेंगे, हम जाना डबल क्लिक करेंगे रोटेट टूल पे और इसको 60 के एंगल से रोटेट कर देंगे और ओके कर देंगे। ये देखेंगे ये रोटेशन इसकी हो गई, तो ऐसा बन गया हमारे सामने। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो हमने सेटिंग वाला बनाया है इसको जो है ना कॉपी करना है। कंट्रोल सी से भी आप कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद पेस्ट इन सेम प्लेस कर देना है। पेस्ट इन सेम प्लेस जब आप करेंगे फिर आप जो है ना आपने इसको रिफ्लेक्ट करवाना है। रिफ्लेक्ट के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म में जाकर रिफ्लेक्ट पे जाएंगे। रिफ्लेक्ट इसको वर्टिकल पे करवाना है, तो ये वर्टिकल पे करवाएंगे तो ये हमारे सामने ग्रेड बन के आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं आइसोमेट्रिक ग्रिड उनके आगे हमारे सामने। और अगर हम चाहते हैं कि इसको स्क्वायर में करें तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सर जस्ट एक बॉक्स ले लेंगे जिस तरह मैंने आपको समझाया था ट्यूटोरियल में मास्किंग वाली क्लास में। अगर आपने नहीं सीखी मास्किंग वाली क्लास तो मैं आपको कहूँगा कि मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, तो आप उधर जाके मास्किंग सीख सकते हैं मास्किंग वाली क्लास। तो जस्ट मैं इसको एक बॉक्स बना लेता हूँ, ओवरऑल सिलेक्शन करके राइट क्लिक करके क्लिप मास्क में कर दूँ। क्लिप मास्क जब कर दूँगा तो ये एक बॉक्स की शेप में हमारे सामने ये आइसोमेट्रिक ग्रिड्स आ जाएंगे। तो ये थी हमारी सिंपल सी क्लास जो हमें आइसोमेट्रिक ग्रिड्स कैसे बनानी है। ये चीज़ हम लोग फुटबॉल के जो गोल्स वगैरह होते हैं उसके लिए भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, गोल्स के नेट्स के लिए, नेट्स बनाने के लिए गोल के, तो ये चीज़ इजली हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं उसके लिए। तो ये थी हमारी छोटी सी क्लास। अगर आपको मेरी टिप पसंद आई है तो सब्सक्राइब लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है वो भी मुझसे ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, जवाब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।